नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 5 अक्टूबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। पंजाब नेशनल बैंक 535 स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों के लिए आवेदन 6 अक्टूबर तक। सरकारी बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर पद पर भर्ती की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए जरूरी सूचना। पंजाब नेशनल बैंक में विभिन्न पदों के MMGS 2 और MMGS 3 ग्रेड स्केल पर मैनेजर और सीनियर मैनेजर के पदों पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर के तौर पर भर्ती के लिए जारी किए गए विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया से अक्टूबर 2020 को समाप्त होने जा रही है, जो कि 6 अक्टूबर को समाप्त होगी। आवेदक और इच्छुक उम्मीदवार PNB की ऑफिशियल वेबसाइट पर कैरियर सेक्शन में उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन फॉर्म की मदद से अपना आवेदन जमा करवा सकते हैं, या फिर सभी उम्मीदवार pnbindia.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। नीतीश कुमार से एक तरफ नाराजगी तो दूसरी तरफ दिखा चिराग का मोदी प्रेम। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिहाज से लंबे समय बाद राज्य के मुख्यमंत्री से नाराज चल रहे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को अस्वीकार कर दिया है। रविवार को ही पार्टी की संसदीय बैठक में लोजपा के नेताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 नीतीश कुमार के नेतृत्व को फॉलो नहीं करने का ऐलान कर दिया है। यह अचानक लिया गया फैसला नहीं बल्कि इसकी पटकथा काफी पहले लिखी गई थी। लोजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ही चिराग पासवान ने साफ कर दिया था कि पार्टी कैसे चल रही है वैसी अब नहीं चलेगी, इसमें वक्त और जरूरत के हिसाब से बदलाव होता रहेगा। इसकी रणनीति बनी और लोजपा के नेताओं ने बिहार सरकार की योजनाओं और नीतियों के खिलाफ धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया। वहीं अब चिराग पासवान ने पार्टी की 143 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने का आदेश दे दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव होने तक बिहार पुलिस के सभी अधिकारी और जवान निर्वाचित आयोग के अधीन। बिहार विधानसभा आम चुनाव को लेकर राज्य पुलिस के सभी अधिकारी और जवान चुनाव आयोग के नियंत्रणाधीन हो गए हैं। गृह विभाग के विशेष सचिव सुनील कुमार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 28 के तहत राज्य सरकार ने बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 के लिए पुलिस महानिदेशक बिहार तक संबंधित क्षेत्र में पदस्थापित भारतीय पुलिस सेवा बिहार पुलिस सेवा के सभी अधिकारियों और सभी उम्मीदवारों एवं चुनाव कार्य को लेकर मांगी गई पुलिस पदाधिकारी चुनाव परिणाम घोषित होने तक भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण और अनुशासन के अधीन रहने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, आगामी विधानसभा चुनाव में 80 साल से अधिक उम्र के वोटरों और दिव्यांगजनों के पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा भी करवाई गई है। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,87,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,261 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या 1,87,951 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 67, अरवल में 7, औरंगाबाद में 17, बांका में 38, बेगूसराय में 21, भागलपुर में 30, भोजपुर में 18, बक्सर में 5, दरभंगा में 17, पूर्वी चंपारण में 52, गया में 17, गोपालगंज में 38, जमुई में 18, जहानाबाद में 32, कैमूर में 7, कटिहार में 22, खगड़िया में 10, किशनगंज में 26, लखीसराय में 31, मधेपुरा में 30, मधुबनी में 32, मुंगेर में 27, मुजफ्फरपुर में 64, नालंदा में 34, नवादा में 16, पटना में 265, पूर्णिया में 35, रोहतास में 59, सहरसा में 9, समस्तीपुर में 19, सारण में 49, शेखपुरा में 19, शिवहर में 8, सीतामढ़ी में 27, सिवान में 13, सुपौल में 23, वैशाली में 18, पश्चिम चंपारण में 38। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के माने तो बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,75,109 मरीज ठीक हो चुके हैं, वहीं 915 लोगों की जान जा चुकी है। 2,446 पदों के लिए 11 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा हुई स्थगित। बिहार पुलिस के सब इंस्पेक्टर सर्जन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के लिए 2,446 पदों पर होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। बिहार पुलिस भर्ती प्रक्रिया के जरिए संगठन में 2,446 पदों को भरने के लिए परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। हालांकि अब यह परीक्षा 29 नवंबर को होगी। इस परीक्षा का आयोजन 11 अक्टूबर को करवाया जाना था, मगर कोविड-19 के बढ़ते असर को देखते हुए तारीख आगे बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, पहले यह परीक्षा 23 अगस्त को आयोजित होने वाली थी, तभी स्थगित कर दी गई थी। दरअसल BPSSC नया फैसला कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लिया था, क्योंकि देश में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मणिपुर फॉर्मूले पर बिहार में लोजपा और भाजपा उतरेगी मैदान में। लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने वाली है। कई दिनों तक चली रस्साकस्सी के बाद आखिरकार लोजपा ने बिहार में एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया। हालांकि मणिपुर की तर्ज पर पार्टी केंद्र में एनडीए का हिस्सा रहेगी। इसके साथ ही पार्टी ने साफ कर दिया है कि चुनाव के बाद लोजपा के सभी विधायक भाजपा का समर्थन करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप लोजपा और भाजपा मणिपुर में इस फॉर्मूले के तहत चुनावी मैदान में उतर सकती है। साल 2017 में मणिपुर विधानसभा चुनाव में लोजपा ने भाजपा से अलग होकर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया था। बाद में लोजपा सरकार में शामिल हो गई थी।
सुशांत सिंह राजपूत मामले में एम्स की तरफ से जारी किए गए रिपोर्ट को अधिवक्ता ने बताया गलत। सुशांत सिंह राजपूत मामले में उनके परिवार की अदालत के पैरवी करने वाले अधिवक्ता ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की रिपोर्ट को निर्णायक नहीं बताया है। उन्होंने संभावना जताई है कि सीबीआई अभी सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच को गलत साबित करने में लग गई है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच को लेकर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एकजुट होकर उनके फैंस क्लब यूनाइटेड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत ने एम्स की रिपोर्ट को हास्यपद थ्योरी बताया है। सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों को सपोर्ट करने के लिए ट्विटर हैंडल में सुशांत का एक वीडियो भी साझा किया गया है। यूनाइटेड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत ने ट्विटर हैंडल प्रशासन को वर्कआउट करते हुए वीडियो साझा किया है, साथ ही लिखा है कि आप खुद की जान लेने के लिए इतनी मेहनत नहीं कर सकते हैं। पटना के 47 मैदान और 19 सभागृह में हो सकेंगी रैलियां। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि जिला प्रशासन ने जिले में अब तक 47 मैदान और 19 हॉल चिन्हित किए हैं, जहां चुनाव प्रचार के लिए सभाओं का और रैलियों का आयोजन करवाया जा रहा है। जिलाधिकारी कुमार रवि ने आगे यह भी स्पष्ट किया है कि 14 अक्टूबर तक आयोजित की जाने वाली ऐसी रैलियों में प्रतिभागियों की संख्या 100 से अधिक नहीं हो सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि राजनीतिक दलों द्वारा अन्य स्थानों को भी समायोजित किए जाने से संबंधित सुझाव जिला प्रशासन को दिया जा सकता है। केंद्र सरकार के नवीनतम निर्देश के अनुसार 15 अक्टूबर से सभागृह में 200 प्रतिभागी तक की छूट दी जा सकती है। भाजपा में शामिल हुए श्रेयसी सिंह। अंतर्राष्ट्रीय शूटर एवं स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की पुत्री श्रेयसी सिंह रविवार को भाजपा में शामिल हो गई है। पार्टी में बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा मुख्यालय में सदस्यता ली है। भाजपा के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे थे। श्रेयसी सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा में शामिल होने का फैसला लिया है। पिछले 6 साल में उन्होंने जो भी विकास के कार्य किए हैं उससे मैं प्रभावित हुई हूँ, साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत मुहिम को लेकर के बिहार में सशक्त बनाऊंगी। हालांकि श्रेयसी सिंह पहले राजद में जाने के कयास लगाए जा रहे थे, मगर बीते दिन उनके फैसले ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे संप्रदा सिंह की। संप्रदा सिंह एक भारतीय बिजनेसमैन थे जिन्होंने एल्केम लैबोरेटरीज का गठन किया था, जिसमें फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन और न्यूट्रास्यूटिकल की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। इसका यूरोप, अफ्रीका, एशिया, पैसिफिक, साउथ अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स में इंडियन ब्रांच भी देखने को मिला था। सर्वे के अनुसार एल्केम लैबोरेटरीज वर्तमान समय में 5 में से सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी में से एक है। फार्मास्यूटिकल कंपनी में पहचान बनाने वाले संप्रदा सिंह का जन्म 1925 में बिहार के जहानाबाद में हुआ था। वहीं 27 जुलाई 2019 को उन्होंने मुंबई में आखिरी सांस ली थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई पटना यूनिवर्सिटी से पूरी की थी। महागठबंधन में सीटों का ऐलान हुआ शुरू। महागठबंधन के घटक दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने अपने कुल 10 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जबकि वाम दलों में शामिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की रविवार को राज्य सचिव मंडल की बैठक में सोमवार को पार्टी ने 19 प्रत्याशियों की सूची जारी कर निर्णय ले लिया है। भाकपा माले के मीडिया प्रभारी कुमार की अदला बदली के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा 24 घंटे के लिए टाल दी गई थी। जिन प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई उसमें सूर्यकांत पासवान, रामरत्न सिंह, अवधेश कुमार राय, राम नरेश पांडे, राम नारायण यादव, विकास चंद्र मंडल, अजय कुमार, सत्येंद्र यादव, राजेंद्र प्रसाद सिंह और राजमंगल प्रसाद का नाम शामिल है। मांझी ने 6 उम्मीदवारों के नाम पर लगाई मुहर। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग दलों के प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने का दौर जारी है। इसी बीच जीतन राम मांझी की पार्टी हमने 6 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का चयन कर लिया है। जीतन राम मांझी पार्टी में बिहार में जनता दल यूनाइटेड के कोटे से 6 या 7 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। पार्टी द्वारा जो सूची जारी की जा रही है उसमें जितेंद्र मांझी के परिवार के 3 सदस्यों को टिकट दिया गया है। खुद जीतन राम मांझी जहां गया जिले के इमामगंज सीट से मैदान में उतरने वाले हैं। हम के मुताबिक इमामगंज से जीतन राम मांझी उतरने वाले हैं। इसके साथ ही बाराचट्टी से ज्योति देवी, टेकारी सीट से अनिल सिंह, मखदुमपुर सीट से देवेंद्र मांझी और उनके अलावा कटवा सीट से अजय भुई और कस्बा से राजेंद्र यादव चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। कोविड-19 माहौल के बीच बिहार चुनाव में उम्मीदवार पोस्टर बैलेट पर रखेंगे नजर। कोविड-19 माहौल के बीच बिहार में हो रहे आम चुनाव के दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के वोटरों और दिव्यांगजनों के पोस्टर बैलेट में मतदान की सुविधा को ध्यान में रखा जाएगा। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने सभी प्रत्याशियों को इस पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखने का भी अवसर दिया है। पेपर बैलेट को जारी करने और एकत्र करने की कार्रवाई की उम्मीदवार निगरानी भी कर सकते हैं। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोरा ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही बताया कि दिल्ली पहुंचते ही चुनाव आयोग ने पोस्टर बैलेट को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार गोपाल मीना ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को इसका पालन करने का निर्देश दिया है। भाजपा के बुलावे पर मुकेश सहनी दिल्ली हुए रवाना। महागठबंधन को अलविदा कहने के बाद भाजपा की तरफ से वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को बुलावा आया था, जिसके बाद मुकेश सहनी दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। मिली जानकारी के अनुसार इसकी संभावना जताई जा रही है कि वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। रविवार को भाजपा की दिल्ली में मैराथन बैठक चली। इसी बीच लोजपा जदयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने के बाद एनडीए में विवाद गहरा गया है, जिसके बाद अब मुकेश सहनी को एनडीए में शामिल जल्द ही करवाया जा सकता है।
विधानसभा चुनाव को लेकर आयोग ने दो पर्यवेक्षक को किया नियुक्त। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने दो पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी है। यह जिम्मेदारी मधु महाजन और बालकृष्णन को दे दी गई है। मधु महाजन और बालकृष्णन दोनों ही पूर्व IRS अधिकारी रह चुके हैं। दोनों को बिहार में एक जिम्मेदारी मिली है, जो भी शिकायत मिलेगी उस पर यह दोनों सख्ती से पेश आएंगे। इसके साथ ही वोटरों के बीच बंटने वाले पैसे पर भी अधिकारियों की नजर अब पैनी रहेगी। इसके साथ ही दोनों ही अधिकारी कई लोकसभा चुनाव 2019 में भी अहम भूमिका निभा चुके हैं। आपको बता दें, बिहार में 3 चरण में चुनाव का आयोजन करवाया गया है, जिसकी शुरुआत 28 अक्टूबर से होने वाली है। नवल किशोर यादव ने सरकारी स्कूल में नौकरशाह राजनेता के बीच छात्रों को पढ़ाने की दी नसीहत। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ विधान परिषद चुनाव का बिगुल बज चुका है। बिहार विधान परिषद के 4 शिक्षक प्रचार स्नातक के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं। सीटों के साथ हॉट सीट पटना स्नातक और शिक्षक सीट है, जहां पर भाजपा प्रत्याशी नवल किशोर यादव ने एक बार फिर से पर्चा भर दिया है। नया पर्चा भरने के बाद नवल किशोर यादव ने अपने इच्छा जाहिर की और कहा है कि सरकार शिक्षण संस्थान को लेकर दावा करती है कि हम बेहतर शिक्षा दे रहे हैं, तो फिर उन स्कूलों में नौकरशाहों और राजनेताओं के छात्र क्यों नहीं पढ़ सकते। इसके लिए सरकार नियम बनाए। ऐसा नहीं करने से समाज में गलत मैसेज जा रहा है। वर्चुअल माध्यम से नीतीश को प्रोजेक्ट करने की शुरू हुई तैयारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर भले सीटों के तालमेल और उम्मीदवारों की घोषणा में देरी हो रही, लेकिन जदयू ने चुनाव प्रचार की पूरी तैयारी कर ली। 8 अक्टूबर से नीतीश कुमार सभी विधानसभा क्षेत्रों में रैली कराने की तैयारी कर रहे हैं। विकास कार्यों में जुड़े हुए हजारों की संख्या में वीडियो भी तैयार किए जा चुके हैं। इसके जरिए विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रचार भी शुरू हो गया है। प्रचार के लिए 1000 से अधिक बनाए गए वीडियोज। जदयू नेताओं के अनुसार पार्टी ने कई तरह की तैयारी कर ली है। रामा सिंह ने राबड़ी तेजस्वी से की मुलाकात। रामा सिंह को लेकर राजद में उठे विवाद के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपना इस्तीफा राजद को सौंप दिया था, जिसके बाद कुछ समय पहले ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। वहीं अब उनकी गुजर जाने के बाद रामा सिंह एक बार फिर से राजद में शामिल होने की कोशिश में जुट गए हैं। वैशाली के पूर्व सांसद रामा सिंह ने बीते दिन राबड़ी आवास में जाकर के राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। रामा सिंह का राबड़ी आवास में आना इस मायने में महत्वपूर्ण माना जाता है कि उनके वजह से ही पार्टी के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और गुजर जाने के तुरंत पहले पार्टी की सदस्यता तब से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। रामा सिंह के अब राजद में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले उनको शामिल करने के विरोध में ही रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपना बगावती तेवर दिखाया था। लोजपा के अकेले चुनावी मैदान में उतरने पर पार्टी कार्यालय में हुआ जश्न। दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की अगुवाई में अलग चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया गया है, जिसके बाद पार्टी कार्यालय में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। पटना के लोजपा कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। वहां उनका उत्साह साफ तौर पर देखने को मिला। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले NDA में दरार के संकेत मिलने लगे थे और जदयू के बीच जुबानी जंग जारी थी। उसका जश्न ऐसा ही कुछ होना था। इस जश्न में लोजपा की महिला कार्यकर्ता भी पीछे नहीं रही, लोजपा के पार्टी कार्यालय पर जुट गए थे। मौके पर कार्यकर्ताओं ने दूसरे को अबीर भी लगाया और गुलाल भी लगाया और जमकर डांस भी किया। तेजस्वी यादव के खिलाफ मैदान में उतरे सन ऑफ मल्लाह। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन को एक और करारा झटका लगा है। शनिवार को पार्टी से सीट शेयरिंग के लिए आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान ही VIP पार्टी के चीफ मुकेश सहनी ने बगावती का बिगुल फूंक दिया था। साथ ही महागठबंधन को छोड़ने का ऐलान भी कर दिया था। मुकेश सहनी ने भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद पर खूब आरोप भी लगाए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सामने लालू के लाल तेजस्वी यादव ने सरेंडर कर दिया है। कांग्रेस ने जब एक्शन लिया तो तेजस्वी यादव उनके सामने झुक गए। तेजस्वी यादव ने सबको सीट दी लेकिन हमारी पार्टी को किनार कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जदयू ने 15 नेताओं को बनाया पैनलिस्ट। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब जदयू ने विधानसभा चुनाव को लेकर 15 पैनलिस्ट की सूची तैयार कर दी है। इन पैनलिस्ट में गुलाम गौस, खालिद अनवर, संजय वर्मा, अजय आलोक, निहोरा प्रसाद यादव, कमल सहेली मेहता, शंभुनाथ सिन्हा, अभिषेक झा, ओम प्रकाश सिंह सेतु, जितेंद्र कुमार, नीरज शिवशंकर, निषाद, पवन रजक, इम्तियाज अहमद अंसारी, सुनीता बिंदु शामिल है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी के तरफ से 15 नए पैनलिस्ट की सूची भी जारी कर दी गई है। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई संपन्न। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रविवार को भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह सहित भाजपा के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। चुनाव समिति की बैठक काफी देर तक चली। बताया जाता है कि बैठक में जदयू की तरफ से दी गई सूची पर भाजपा ने सहमति जता दी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के आवास पर प्रत्याशियों के चयन और लोजपा प्रकरण पर हाई लेवल बैठक हुई है, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। बताया जाता है कि भाजपा और जदयू के बीच सीटों को लेकर समझौता हो चुका है।
अगले साल 25 करोड़ लोगों को कोविड 19 वैक्सीन देने की कही गई बात। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जुलाई 2021 तक 25 करोड़ भारतीयों तक कोविड 19 वैक्सीन पहुंचाने की बात कही है। आपको बता दें, रविवार को संडे संवाद के जरिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोशल मीडिया यूजर से बातचीत के दौरान उक्त बातें कही हैं। इस दौरान उन्होंने यूजर से कोविड 19 वैक्सीन के विषय पर बातचीत की है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों को अग्रिम पंक्ति में कोविड 19 रोग प्रतिरोधक क्षमता उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना 40 करोड़ से 50 करोड़ कोविड 19 वैक्सीन खुराक प्राप्त करने और उपयोग करने की है। गूगल ने भारत में लॉन्च किया कोरमो जॉब्स ऐप। गूगल के लेटेस्ट ऐप कोरमो जॉब्स ऐप नौकरी दिलाने में मदद करेगा, जो कि आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट अपडेटेड है और भारत मूल्य जॉब सर्च पोर्टल जैसे Naukri.com और टाइम्स जॉब को टक्कर दे सकता है। कोरमो जॉब्स को सबसे पहले साल 2018 में बांग्लादेश में लॉन्च किया गया था। प्रसार गूगल पर पेश किया गया था। जॉब स्पॉट कोरमो जॉब्स के रूप में रीब्रांड किया गया है, जहां गूगल ने बुधवार को अपनी जॉब लिस्टिंग ऐप कोरमो का विस्तार भारत में कर दिया है। इस ऐप को सबसे पहले साल 2018 में बांग्लादेश में लॉन्च किया गया था, फिर साल 2019 में इसका विस्तार इंडोनेशिया में किया गया था। चेन्नई सुपर किंग्स ने किंग्स इलेवन पंजाब को दी करारी हार। लगातार 3 बार हार का सामना करने वाले चेन्नई सुपर किंग्स ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रविवार के दिन दूसरे मुकाबले में पंजाब को 10 विकेट से हरा दिया है और चेन्नई की जीत के नायक रहे उनके दोनों ओपनर, जिन्होंने पहली गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक एक भी विकेट नहीं खोया। फॉर्म में लौटने वाले शेन वॉटसन ने नाबाद 83 रन और फॉफ डुप्लेसिस ने बिना आउट हुए 87 रन की पारी खेली। इससे पहले मुकाबले में किंग्स इलेवन पंजाब ने चेन्नई के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए कोटे के 20 ओवरों में 4 विकेट पर 178 रन बनाए थे। पंजाब के लिए कप्तान केएल राहुल ने 63 और विकेटकीपर निकोलस पूरन ने 33 रन बनाए थे। इनके अलावा मयंक अग्रवाल ने 26 और मनदीप सिंह ने 27 रन का योगदान दिया था। पंजाब के लिए सबसे ज्यादा 2 विकेट शार्दुल ठाकुर ने चटकाए। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है बबीता सिंह, राहुल यादव, असलम राज, बबलू कुमार, ओमकार सिंह, मंजीत कुमार, साहू, पंकज कुमार, अभय कुमार, संजीव यादव, अभिषेक, रॉयल मिंटू कुमार, प्रफुल्ल कुमार, जन कुमार, शंकर मुखिया, कृष्ण कुमार, सुनील सिंह, संजय कुमार, पप्पू कुमार, राजीव कुमार, कुश कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा द्वारा अकेले 143 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला सही है या नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।